कहाँ लगाए माइक? यहाँ ठीक है, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपना। भूल जाता हूँ यार, स्क्रिप्टेड नहीं है ना, फिर से बोलता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कोई पढ़ाई की बात नहीं बताऊंगा, आज मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई तीन चार चीज़ें बताऊंगा जिसको मैंने अपने लाइफ में अमल किया है, और इससे मेरे पिताजी भी बहुत नाराज़ रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो समझते हैं मुझे। आपको भी मैं वो बात बताऊंगा, और लास्ट में एक सरप्राइज़ है, लास्ट में एक सरप्राइज़ है। पूरा बात सुनना, अच्छे से सुनना। अरे भाई क्यों लटक जा रहे हो? कहाँ लगाऊँ यार इसको? चलो हाथ में ले लेते हैं। तो तीन चार चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप उस चीज़ से झेल रहे हों, या हो सकता है कि आपको वो चीज़ काम आ जाए। उससे पहले चश्मा पहन लेता हूँ। अब देखो, इसमें बहुत लोग गालियाँ देंगे मुझे कमेंट में, बताओ चश्मा पहन के हीरो बन रहा है। अरे भाई तुम दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसी बात पे मेरा पहला पॉइंट है। पहला रुको, देख लूँ कॉपी में क्या लिखा हूँ। ठीक है, लोग क्या कहते हैं ना, इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। अरे माइक कहाँ चला जा रहा है भाई? लोग क्या कहते हैं इस बात पे आपको ध्यान, फोन गिरने लग रहा है, क्या बात है? लोग क्या कहते हैं इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में ना एक पति और पत्नी रहते हैं, उनके पास एक गधा रहता है। तो एक दिन वो सोचते हैं कि यार अब इस गांव में नहीं रहना है, अब चलते हैं हम दूसरे गांव में रहेंगे। चल देते हैं अपना सामान लेके और अपने गधे को लेके और बीबी के साथ, वो इंसान चल देता है। चलते 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 एक गाँव में पहुँचता है। तो गाँव में क्या रहता है कि वो गधे के ऊपर सामान रख के चलता है, और खुद वो दोनों पति पत्नी जो होते हैं वो पैदल चलते हैं। तो गांव के लोग कहते हैं, यार देखो कितना बेवकूफ आदमी है यार, जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर बैठ जाओ, बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल। तो बेचारा बैठ जाता है, खुद बैठ जाता है, पत्नी चलती रहती है पैदल। चलते चलते वो दूसरे गांव पहुंचते हैं। दूसरे गांव में जब पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं, यार गजब बेवकूफ आदमी हो यार, तुम बैठे हुए हो और पत्नी को पैदल चला रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पत्नी पैदल चल रही हो तुम गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हो, अच्छी बात है ये तुम्हारी मर्दानी दिखाती है, हा? क्या कर रहे हो ये? बेचारा परेशान हो जाता है, उतर जाता है, फिर पत्नी को बैठा देता है। अब पत्नी चलते 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 जाती है। अब भैया अगले गाँव में पहुँचते हैं ये, अगले गाँव में पहुँचते ही लोग कहते हैं, अरे बताओ गजब जोरू का गुलाम है भाई साहब, मतलब पत्नी को घोड़े बिठा के गधे बिठा के अपने पैदल चल रहा है, वाह क्या बात है। बेचारा फिर परेशान हो जाता है, अब क्या करे अब क्या करे। अब एक ही ऑप्शन रहता है उसके पास, दोनों बैठ जाते हैं घोड़े के ऊपर या गधे के ऊपर जो भी है। अगले गांव में पहुंचता है पैदल चलते चलते, तो लोग कहते हैं, वाह क्या इंसान है ये, मतलब गधे की जान की कोई कीमत ही नहीं है, गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। तो इस कहानी का छोटा सा सार ये है कि भाई आपको लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, आप जो भी जब भी जैसा भी काम करोगे ना, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा। आपको उस बात का ध्यान नहीं देना है, आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप जो कर रहे हो उससे आपका फायदा है कि नहीं है, उस काम को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया। मैं चश्मा निकाल देता हूँ क्योंकि आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी बता देना कि चश्मा कैसा लग रहा है, नहीं तो फिर दूसरा चश्मा खरीदना पड़ेगा यार। ये ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने? हाँ भैया देखो, सक्सेस का बहुत ही गजब का एक खेल होता है। अगर तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तो उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ जो है ना, वो एकदम बदल जाती है। जैसे कैसे, मेरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें खुद देता हूँ। जब मैं इंस्पेक्टर नहीं बना था, जब मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ता नहीं था, लोगों को दिखाई नहीं देता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं जहाँ रहता था वहाँ की कॉलोनी के लोग, कॉलोनी की आंटियाँ जो थी, स्पेशली कॉलोनी की आंटियाँ, क्या आवारा लड़का है, पूरे दिन खेलता रहता। हो क्यों कहती थी, क्यों गाली देती थी? क्योंकि मैं उनको लड़कों को लेकर चला जाता था खेलने। ठीक है, तो वो परेशान हो जाती थी कि मेरे बच्चे को भी खराब कर रहा है, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है, अपने तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा, क्या पता नहीं क्या जिंदगी में कुछ करेगा भी नहीं, मेरे बच्चों को खराब कर रहा है, और ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे लोग बोलते थे मुझे। और जब मैं इंस्पेक्टर बन गया तो आज वही लोग कहते हैं, वाह मुझे मालूम था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा ये लड़का, मुझे मालूम था। ऐसे बदलते हैं लोग। पहले मैं जब चश्मा उसमें पहन के कॉलोनी में निकलता था ना, तो कहता था, देखो लफुआ आ गया, लोफर।
कोई काम धाम नहीं है, घूमने निकल जाना है, धूप बंद दोपहरिया में निकल जाना है घूमने खेलने, कोई काम धाम ही नहीं है। आज जब मैं चश्मा पहन के जाता हूँ ना, अरे बेटा कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, स्मार्ट हो गए हो बेटा, बहुत बढ़िया स्मार्ट लग रहा हो, चश्मा लगा गया तुम तो। ऐसे बदलते हैं लोग, ऐसे लोग नाग होते हैं, इनके पास कभी नहीं जाना है, चाहे तुम सक्सेस रहो या ना रहो, इनके पास कभी नहीं जाना है। समझ में आ गया? ये जैसे ही मौका मिलेगा तुमको डस लेंगे। दूसरा पॉइंट तुमको समझ में आ गया किससे दूर रहना है? तीसरी चीज, स्क्रिप्ट फिर से देखना पड़ेगा, कंपैरिजन मत करो किसी से, खुद का कंपैरिजन खुद से करो, ठीक है? इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी, पूरा देखना लेकिन मजा आएगा, और बताना तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है? एक कहानी सुनो, मैंने भी ये कहानी सुनी है कहीं से, मैं सुना रहा हूँ, मेरी खुद की कहानी नहीं है ये। एक इंसान रहता है, वो भगवान की बहुत तपस्या करता है, बहुत तपस्या करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं कि भैया बताइए वर क्या चाहिए आपको, क्या वरदान दिया जाए। तो कहता है देखिए प्रभु, हमको एक ही वरदान चाहिए कि मैं जब चाहूं जो चाहूं मुझे मिल जाए। तो भगवान कहते हैं यार ये तो बड़ा अटपटा सा वरदान है, कैसे दे दे तुमको? कहे नहीं हमको यही चाहिए भाई। कहे ठीक है तुमको दे देंगे, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है, तुम जो अपने लिए खुद के लिए मांगोगे उसका दुगना, माइक भूल जाता हूँ यार, उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, ठीक है? तो बोलता ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान कहते भैया तथास्तु। अब वो घर जाता है, घर जाके कहता है कि भगवान मुझे एक गाड़ी चाहिए, तुरंत गाड़ी मिल जाती है क्योंकि उसको तो वरदान प्राप्त है। लेकिन तुरंत ही देखता है उसके पड़ोसी के पास दो गाड़ी आ गई, कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कहता है कि भगवान मुझे एक घर चाहिए बढ़िया, तुरंत घर मिल जाता है। लेकिन फिर बाहर जाके देखता है तो देखता है उसके पड़ोसी के पास तो दो घर मिल गए। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है, अब उसको अपने सुख में सुख नहीं दिखाई दे रहा है, वो चाहता तो चार घर मांग लेता अपने लिए, लेकिन वो दो घर से परेशान हो रहा है कि दूसरे के पास दो घर है। वो चाहता तो अपने लिए चार घर भी मांग सकता था क्योंकि उसको तो वरदान प्राप्त है, लेकिन नहीं। अब वो परेशान है कि यार वो ज़्यादा खुश हो गया वो तो मुझसे, अब क्या करें? अब जानते हो क्या वरदान मांगता है? कि भगवान मेरी एक आँख फूट जाए। उसकी एक आँख फूट जाती है तो उसके पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाती है। अब उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है दिल में, चलो उसका दोनों आँख फूट गया, मेरा एक ही फूटा है। फिर कहता है भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए, उसके पड़ोसी का दोनों हाथ टूट जाता है, अब उसको और खुशी मिलती है। समझ रहे हो? तो ये इसका परिणाम बहुत गंदा होता है। देखो वो कहाँ से घर गाड़ी से मांगते मांगते अपने शरीर को नुकसान करने लगा कि मेरा नुकसान हो जाए ताकि उसका नुकसान हो सके। ये आपने अंदर नहीं लाना है, आपको कंपैरिजन खुद से करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय आप आज अगर 8 बजे सो के उठे सुबह, तो आपको ये सोचना है कि कल मुझे सुबह 7:30 बजे सो के उठना है ताकि मैं आधे घंटे को यूज़ कर सकूँ। समझ रहे हैं? आप अगर आज 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो कल आपको ये सोचना है कि कल मुझे 4.5 घंटे पढ़ाई करना है, 5 घंटे पढ़ाई करना है। खुद से कंपैरिजन करना है, खुद से कंपटीशन करना है, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका कंपटीशन खुद से ही है। अगर आप खुद से जीत जाते हैं आप पूरी दुनिया से जीत जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है? दो कहानी बता दी मैंने, बड़ी लंबी लंबी कहानी बता दी यार। अच्छा तीसरा है, तीसरा तो बता दिया ना मैंने, हाँ चौथा, चौथा भाई सबसे बड़ी बात है ना, प्रोक्रास्टिनेशन से बचो। मैं बहुत परेशान था इस चीज़ से, जब मैं डिप्रेशन में था, 1 साल 1.5 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बाहर निकला मैं उससे। तो प्रोकेस्टिनेशन बहुत बेकार चीज़ है। प्रोकेस्टिनेशन मीन्स होता है कि तुम्हें चीज़ों के टालने की आदत हो जाएगी। जैसे कि आज पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब कर रहे थे छोड़ो कल से पढ़ेंगे यार। अच्छा आज सुबह सुबह रात में अलार्म लगा के सोए कि 6 बजे उठना है, ठीक है? और अलार्म बजा तुम 6:15 बजे उठे, 6 बजे नहीं उठे, अब तो 15 मिनट लेट हो गए, अब छोड़ो कल से सुबह 6 बजे उठेंगे। नहीं, जो काम करने के लिए सोच रहे हो उसको तुरंत करना स्टार्ट करो, नहीं तो लाइफ में पीछे होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे, और जो तुमसे आगे जा रहा है वो आगे ही होता जाएगा, और जो तुम पीछे जा रहे हो पीछे होता जाओगे। बीच का जो गैप है ना, इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि तुम चाह के भी उस गैप को भर नहीं पाओगे। इसीलिए चीज़ों को टालने की आदत छोड़ो, जो करने का सोच रहे हो तुरंत करो, तुरंत देखो तुम्हारा परिणाम कितना अच्छा होगा। तुम अगर 1 महीने तक ये लगातार चीज़ों को फॉलो करो ना, कि जो मेरा मन में आ रहा है, अभी मुझे हिस्ट्री पढ़ने का मन है, मैं अभी हिस्ट्री पढ़ूंगा, देखो हिस्ट्री की बात से याद आ गई, समझ में आ गया प्रोकेस्टिनेशन क्या है। पांचवा पॉइंट यही है जो सरप्राइज था, मैंने अपना मीडिवियल हिस्ट्री का कंप्लीट डिटेल नोट्स जो बनाया है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, उसमें तुम नोट से पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने के बाद तुम्हें किसी किताब को पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो, चाहे वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, चाहे तुम्हारा
मनोहर पांडे हो, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर तो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव और मनोहर पांडे जी की जो किताब है उसका पूरा सारांश लिखा है मीडियवल इंडिया में अपने नोट्स में। दिखाऊं? दिखाऊं कहाँ गया, अरे अपना नोट्स कहाँ गया भाई। हाँ ये रहा, बस सुंदर सा नोट्स बनाया है। देखो राइटिंग देख रहा मेरी कितनी सुंदर है, दिख रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा वाइट हो जा रहा है, दिख जा। हाँ ये देखो कितनी सुंदर राइटिंग में लिखा है मैंने। क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा हुआ है? द मुगल एरा, क्या लिखा है? मराठा एज लिखा हुआ है। तो इसका कंप्लीट मैंने हिस्ट्री का नोट्स जो है मेरे हिस्ट्री का नोट्स वो मैंने डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में स्कैन करके, और अभी डाल दूंगा, थोड़ी देर में, डाला नहीं है, उसको जाके डाउनलोड कर लो, उससे पूरा हिस्ट्री तुम मिडिवल इंडिया कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कहानी कैसी लगी है, अच्छा लगी है तो बताना, लाइक करना वीडियो को और पढ़ाई करते रहो। जल्दी ही हम CPO के स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे कल सुबह, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।